लेसन तीन, पार्ट तीन। संजय द ब्रेव बॉय। संजय ब्रेव मतलब बहादुर, बॉय लड़का, संजय बहादुर लड़का। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेवन। संजय था एक छात्र ऑफ क्लास सेवन। संजय कक्षा सात का एक विद्यार्थी था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज। वह ही मतलब वो, वह रहता था साथ में विद हिज अपने उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता इन द विलेज गांव में। वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। शांतिपुर उसके गांव का नाम था शांतिपुर। वह अपने माता पिता के साथ शांतिपुर गांव में रहता था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। उसने लॉस्ट खो दिया था वन ऑफ हिज अपने दोनों पैरों में से एक पैर उसने अपना खो दिया था इन एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना में। उसने एक दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था। ही ऑलवेज फेल्ट दैट एवरीवन लुक्ड एट हिज लेग एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड। वह ऑलवेज हमेशा फेल्ट मतलब सोचता था महसूस करता था दैट एवरीवन हर एक व्यक्ति सब लोग देखते हैं लुक्ड देखते हैं हिज लेग उसके पैर की तरफ और एंड लाफ्ड हंसते हैं एट द वे ही वॉक और हंसते हैं जिस तरीके से वो चलता है। वह सोचता था कि वह हमेशा महसूस करता था कि जब भी वह चलता है रास्ते पे जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति हर एक लोग उसके पैर की तरफ देखता है और ज़ोर से हंसते हैं मतलब और हंसते हैं। वो हमेशा ऐसा महसूस करता था कि जब भी वो चलता है तो हर लोग उसके पैर की तरफ देखते हैं और हंसते हैं। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड। इसलिए वो हमेशा टाइट कोशिश करता था अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करने को पीपल मतलब लोग। तो इसलिए वो हमेशा कोशिश करता था लोगों को नज़रअंदाज करने की। वन मॉर्निंग व्हेन संजय डिड नॉट गेट अप हिज मदर वोक हिम अप। एक सुबह वन मॉर्निंग एक सुबह जब संजय नहीं उठा सुबह सो के उठते स्कूल जाने के लिए तो एक सुबह जब संजय नहीं उठा तो उसकी मम्मी ने उसको जगाया। और अब मदर कहती है माँ वेक अप संजय उठ जाओ संजय यू आर गेटिंग लेट तुमको देर हो रही है स्कूल जाने में तुमको स्कूल जाने में देर हो रही है तुम लेट हो रहे हो संजय। अब संजय कहते हैं मदर माँ आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। मैं डू नॉट नहीं चाहता हूँ टू गो टू स्कूल मैं स्कूल जाना नहीं चाहता हूँ। मदर मम्मी कहती है वाई संजय क्यों संजय। संजय आई फील नेगलेक्टेड माँ। संजय कहता है कि माँ मैं नेगलेक्टेड महसूस करता हूँ। नेगलेक्टेड मतलब उपेक्षा मतलब लोग उसको देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देते उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते उसको महत्वपूर्ण फील नहीं होता लोगों के बीच में। उसको लगता है कि लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसको उपेक्षा फील होती है मतलब जैसे उसने बताया कि लोग उसके पैर की तरफ देख के हंसते हैं उसको ऐसा महसूस होता है तो वही बता रहा है कि वो इसलिए स्कूल जाना नहीं चाहता क्योंकि उसको उपेक्षा फील होती है उसको उपेक्षा महसूस होती है। माय स्कूल मेट्स डोंट लाइक माय कंपनी। अब देखो है ये बता रहा है वही बात कि मेरे क्लासमेट्स मेरे स्कूल मेट्स उसके जो सहपाठी हैं जो साथ में उसकी क्लास में पढ़ते हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं लोग उसके जो स्कूल मेट्स हैं उनको पसंद नहीं है उसकी कंपनी। तो बता रहा है कि मेरे जो स्कूल वाले सहपाठी हैं उनको मेरे साथ पसंद नहीं है रहना कंपनी मतलब उसके साथ रहना बातें करना तो उनको उनके उसका साथ पसंद नहीं है ये बता रहा है वो अपनी माँ को। मदर अब मदर उस कहती है माई डियर चाइल्ड मेरे प्रिय बच्चे
यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, तुम एक मजबूत बच्चे हो। बॉय मतलब लड़का, तुम एक मजबूत लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, लूज हार्ट से मतलब है यहाँ पे दिल को खो देना से मतलब नहीं है, दिल मत खो मतलब धैर्य मत खो, धैर्य मत खो मतलब थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, ठीक है। डोंट लूज हार्ट मतलब अपना धैर्य मत खो। यू हैव सो मैनी गुड क्वालिटीज़, यू हैव तुम्हारे पास हैं सो मैनी बहुत सारे गुड अच्छी क्वालिटीज़ मतलब विशेषताएँ, जो मतलब होती है ना अच्छे गुण विशेषताएँ, तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे गुण हैं। आ डे विल कम वेन एवरी वन विल प्रेज यू, आ डे एक दिन विल कम आएगा जब एवरी वन हर एक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति विल प्रेज यू, जब हर एक व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करेगा। एक दिन आएगा जब हर एक व्यक्ति तुम्हारी तारीफ करेगा, सब लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, ऐसा दिन आएगा। अब संजय कहता है हाफ हार्टेडली, अब कैसे कहता है हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली से मतलब ये नहीं कि हाफ मतलब आधा, हार्ट मतलब दिल, नहीं आधे दिल से नहीं, मतलब बिना मन के होता है ना कुछ, हम बात हमें कहनी होती है, हमें अच्छी नहीं लगती कि फिर भी हम बिना मन के कह देते हैं, हाँ कर देते हैं, ठीक है। तो बिना मन से हर संजय कहता है ओके मदर, ठीक है माँ, आई विल गो, मैं जाऊँगा। संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, अब संजय धीरे धीरे स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है। संजय धीरे धीरे स्कूल गया। एज ही एंटर्ड द स्कूल, जैसे ही वह स्कूल में पहुंचा, जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन। अब क्या हुआ, टॉटर्ड मतलब लड़खड़ाया, ही टॉटर्ड वह लड़खड़ाया एंड फेल डाउन और नीचे गिर गया। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, उसने नोटिस मतलब उसने ध्यान दिया, उसने देखा कि जो बच्चे हैं चिल्ड्रन हैं वो क्या कर रहे हैं, स्टेयरिंग एट हिम मतलब उसकी तरफ घूर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, ठीक है। देन दे बर्स्ट इंटू लाफ्टर, सडनली दे बर्स्ट इंटू लाफ्टर। अब बर्स्ट इंटू मतलब क्या है, अब क्या है इसका मतलब, सडनली मतलब अचानक, वो जो बच्चे उसको देख रहे थे, बर्स्ट इंटू लाफ्टर मतलब एकदम ठहाके मार के मतलब ज़ोर से, मतलब जब होता है ना हम किसी चीज़ को देखते हैं और अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, तो वही बच्चे उसको देख कर एकदम से ठहाके मार कर बहुत ज़ोर से हंसने लगे। ही फेल्ट मिजरेबल, अब वो था उसने देखा कि बच्चे उसको देख के हंस रहे हैं तो उसको बहुत बुरा लगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिजरेबल से मतलब है दयनीय, उसे बहुत बुरा लगा, उसे बहुत दयनीय फील हुआ, ठीक है। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, उसने सोचा, उसको याद है, उसने अपने मदर के शब्दों के बारे में सोचा, उसने अपने मदर्स के शब्दों के बारे में सोचा कि उसकी मदर ने उसको क्या बताया था, उसकी मदर ने उसको बताया था तुम एक बहादुर लड़के हो, तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़के हो कहा था, तो वही उन्होंने उसे याद आया अपने माँ के जो विचार उसने कहा, उन्होंने कहे कहे थे। तो अब क्या होता है, ही केप्ट हिज चिन अप एंड वेंट टू द क्लास, अब उसने क्या किया, चिन अप, चिन मतलब क्या होता है, थोड़ी होती है, तो यहाँ पे चिन अप मतलब होता है प्रसन्नता से उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया एंड वेंट टू द क्लास, और कहाँ, क्लास में चला गया, मैं प्रसन्नता से उठा और क्लास में चला गया। ड्यूरिंग द ब्रेक ही ट्राइड टू टॉक टू अमित हु सैट बिसाइड्स हिम, अब ब्रेक टाइम होता है जैसे हमारा लंच ब्रेक होता है, तो वैसे ही ब्रेक के टाइम पे उसने कोशिश करी, ट्राई टू टॉक बात करने की कोशिश करी किससे, अमित से, हु सैट बिसाइड्स हिम जो उसके बगल में बैठा था, हमारे सीट में बगल में बैठते हैं तो ऐसे ही उसके बगल में अमित बैठा था, उसने ब्रेक में अमित से बात करने की कोशिश की। योर वॉच इज़ वेरी नाइस अमित, तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी है अमित, उसने उसके अपने दोस्त को बोला कि भाई तुम्हारी घड़ी तो बहुत अच्छी है। ही सैड, ठीक है, योर वॉच इज वेरी नाइस अमित, ही सैड, उसने अमित से कहा तुम्हारी घड़ी तो भाई बहुत अच्छी है। बट अमित टर्न्ड अवे टुवर्ड बिपिन, लेकिन अमित ने क्या किया, वो मुड़ गया बिपिन की तरफ। अब इसके अमित के पास दूसरा बच्चा बैठा था जिसका नाम बिपिन था, तो इसने क्या किया, बिपिन की तरफ वो मुड़ गया अमित।
अमित प्रटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम. प्रटेंडेड मतलब दिखाना, मतलब उसने ऐसा दिखाया कि उसने उसकी बात को सुना ही नहीं. प्रटेंडेड नॉट टू हैव हर्ड हिम कि उसने उसकी बात को सुना ही नहीं. दिखाना, ठीक है, उसने ऐसा दिखाया या ऐसा बहाना किया कि उसने उसकी बात को सुना ही नहीं. संजय मूव्ड क्लोजर टू अमित. अब संजय ने क्या किया, वो अमित के पास गया, ठीक है, थोड़ा सा और अमित के पास आ गया. मूव्ड क्लोजर मतलब पास आ गया, पास, ठीक है, चला गया. सो दैट ही कुड बी हर्ड ईजली, किस लिए चला गया, ताकि वो, ही कुड बी हर्ड ईजली, ताकि वो आसानी से उसको सुन सके. मतलब अमित, अब अमित ने भी दिखाया कि उसने उसको सुना ही नहीं, तो अब संजय अमित के पास चला गया ताकि उसकी बात अमित आसानी से सुन सके, ठीक है. संजय, हे अमित, विच इज़ योर फेवरेट गेम. अब उसको कहता है कि हे अमित, अरे अमित, तुम्हारा फेवरेट मतलब मनपसंद, तुम्हारा मनपसंद गेम मतलब होता है खेल, तुम्हारा मनपसंद खेल कौन सा है. Do you like swimming? क्या तुम्हें swimming करना, तैरना पसंद है, तैराकी पसंद है तुम्हें. अमित, without looking at him, बिना उसकी तरफ देखे. अब अमित संजय की तरफ देखता ही नहीं है, बिना देखे ही बोलता है, yes, हाँ, मुझे swimming पसंद है, I like swimming. संजय, I also like swimming, मुझे भी तैराकी पसंद है. swimming मतलब तैरना, मुझे भी तैराकी पसंद है. सडनली एवरी वन स्टॉप टॉकिंग एंड लुकड एट हिम. अब जैसे ही संजय ने बोला कि मुझे तैराकी पसंद है, तो सारे के सारे बच्चे, हर एक लोग क्या हुआ, बातें करना उन्होंने बंद कर दी. स्टॉप टॉकिंग एंड लुकड एट हिम, और संजय की तरफ देखने लगे, उसकी तरफ देखने लगे. अरुण, अब दूसरा बच्चा आता है अरुण, इन डिसबिलीफ. डिसबिलीफ मतलब अविश्वास, मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा है. डू यू नो हाउ टू स्विम. अब वो बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कैसे तैरते हैं. ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड लॉफिंग, और जितने भी विद्यार्थी थे सारे के सारे हंसने लगे. संजय वॉज वेरी अपसेट. संजय क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, ठीक है. वेन ही रीच्ड होम दैट डे, हिज मदर केम टू नो एट वंस दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग. अब जिस दिन, अब जैसे ही वो उस दिन घर पहुँचा, ही रीच्ड होम, घर पहुंचा, दैट डे, उस दिन, हिज मदर, उसकी माँ, केम टू नो एट वंस, उसकी माँ ने तुरंत ही जान गई, केम टू ना मतलब तुरंत ही जान गई कि कुछ तो गलत हुआ है आज उसके साथ, कुछ तो गलत हुआ था. मदर, माँ कहती, व्हाट हैपेंड सन, बेटा क्या हुआ है, व्हाई आर यू सो अपसेट, तुम इतने ज़्यादा दुखी क्यों हो. संजय कहता है, आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, मैं अब कभी दोबारा स्कूल, विद्यालय नहीं जाऊंगा. द स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रेंडली. अब जो भी, जितने भी छात्र हैं क्लास के, वो ज़्यादा मित्रता से नहीं रहते हैं. फ्रेंडली मतलब होता है मित्रवत नहीं है, ठीक है, मतलब मित्रता से नहीं रहते हैं, ज़्यादा दोस्ती नहीं करते हैं. जितने भी बच्चे हैं वो फ्रेंडली नहीं है, मित्रवत नहीं है. बिदमी, किसके साथ, मेरे साथ, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो मेरे साथ मैत्रीपूर्ण नहीं है, मित्रता से नहीं रहते हैं. दे डोंट इवन शेयर एनीथिंग विद मी. दे डोंट इवन शेयर मतलब कुछ भी, शेयर मतलब बांटना, मिल बांटना, ठीक है. वो कुछ भी मेरे साथ नहीं बांटते. एनीथिंग विद मी, वो कुछ भी चीज़ें मेरे साथ नहीं बांटते हैं, ठीक है. मदर, डोंट गेट अपसेट सन, बेटा निराश मत हो, ठीक है. बी फ्रेंडली विद देम. अब मम्मी उसको समझाती हैं कि बेटा निराश मत हो, बी फ्रेंडली विद देम एंड वेरी सून थिंग्स विल चेंज. माँ कहती है कि भाई उनके साथ मित्रता पूर्वक तुम रहो, वो नहीं रहते कोई बात नहीं, लेकिन तुम उनके साथ मित्रता पूर्वक रहो और बहुत जल्दी ही थिंग्स मतलब चीज़ें बदल जाएंगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन संजय वॉज गोइंग टू स्कूल, ही सॉ अ गर्ल ड्रॉनिंग इन द कैनाल नियर द स्कूल. अगली सुबह क्या हुआ, जैसे ही संजय स्कूल गया, उसने देखा कि एक लड़की डूब रही है एक कैनाल में. कैनाल मतलब क्या होता है, नहर में, ठीक है, नियर द स्कूल, स्कूल के पास में. अगली सुबह जब संजय स्कूल गया, तो उसने देखा
कि स्कूल के पास में ही एक कैनाल में एक लड़की डूब रही है। ही इमीडिएटली ऑफर्ड हिज क्रच टू द गर्ल। अब उसने क्या किया, तुरंत ही ही इमीडिएटली तुरंत ही ऑफर्ड हिज क्रच, मतलब अपनी बैसाखी लड़की को दी। बैसाखी मतलब जिसको वो पकड़ के चलता है, उसका एक पैर नहीं है तो जो पैर को पकड़ने के लिए आती है उसको बैसाखी बोलते हैं। तो उसने अपनी बैसाखी को उस लड़की को पकड़ने के लिए दिया। शी हेल्ड इट टाइटली, लड़की ने उसको बहुत अच्छे से मजबूती से ताकत से पकड़ लिया उस बैसाखी को। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज रैपिड, जो पानी का बहाव था वो बहुत तेज था। बट आफ्टर ट्राइंग हार्ड, मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत ज़्यादा लगातार कोशिश करने के बाद ही कुड पुल हर टू द बैंक। अब जो था वो संजय की बात कर रहे हैं कि ठीक है, पानी बहुत तेज था, लड़की ने पकड़ लिया उसको, वैशाखी को बहुत ज़्यादा तेज़ी से कस के, पानी का बहाव बहुत तेज था और बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद अब संजय कुड पुल हर टू द बैंक। संजय ने उस लड़की को बैंक मतलब नदी के किनारे, नहर जो है उस नहर के किनारे उसको खींच लिया। संजय वाज एस्टोनिस्ड व्हेन ही सॉ द फेस ऑफ द गर्ल ही रेस्क्यूड। संजय एस्टोनिस्ड मतलब अचंभित, आश्चर्यचकित था उस लड़की का चेहरा देखकर जिसको इसने बचाया था। संजय ने जिस लड़की को बचाया था, संजय बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था जब उसने उस लड़की का चेहरा देखा जिसको उसने बचाया था। शी वॉज अमित सिस्टर, वो कौन थी, अमित की बहन थी रीता। रीता बाई देन मैनी पीपल हैड गैदर, तब तक बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए थे। एवरीवन वॉज प्रेजिंग संजय, एवरीवन हर एक लोग, प्रत्येक व्यक्ति प्रेजिंग तारीफ कर रहे थे संजय की, हर व्यक्ति संजय की तारीफ कर रहा था। द नेक्स्ट डे व्हेन ही रीच्ड हाई स्कूल द स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग इन अ क्यू एंड वर क्लैपिंग फॉर हिम। अगले ही दिन जब वह रीच्ड द स्कूल विद्यालय पहुंचा, जो स्टूडेंट विद्यार्थी थे क्यू मतलब लाइन, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी थे सारे एक लाइन में खड़े थे और उसके लिए तालियां बजा रहे थे। एवरी स्टूडेंट वॉन्टेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद हिम, हर एक व्यक्ति उससे बात करना चाहता था और उससे शेक हैंड्स हाथ मिलाना चाहता था। मीन वॉयल अमित केम टू हिम एंड सेड, इतने में ही क्या होता है, अमित आया उसके पास और उसने उससे कहा, अमित आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉर गिव मी फॉर माई बिहेवियर। अमित कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्लीज़ फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉर माई बिहेवियर, मेरे बुरे व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। संजय इट इज़ ओके, कोई बात नहीं, सब ठीक है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो, डोंट फील सॉरी, अफसोस मत करो। इन द मॉर्निंग असेंबली, सुबह की जो प्रार्थना होती है मॉर्निंग असेंबली बोलते हैं उसको, ठीक है। इन द सुबह की प्रार्थना में द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉल्ड संजय ऑन टू द स्टेज। अब जिस विद्यालय में पढ़ता था, विद्यालय के प्रिंसिपल ने, प्रधानाचार्य जी ने उसको स्टेज पर बुलाया। संजय स्टेप्ड फॉरवर्ड कॉन्फिडेंटली ऑन टू द स्टेज टू एक्सेप्ट द ब्रेवरी अवार्ड ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल। अब जो संजय था स्टेप्ड आगे बढ़ा बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से स्टेज पर, संजय बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से स्टेज पर आगे बढ़ा और किसके लिए, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए ब्रेवरी अवार्ड। ब्रेवरी अवार्ड मतलब जो बहादुरी का पुरस्कार, बहादुरी का पुरस्कार ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर फ्रॉम द प्रिंसिपल, साल का बहादुरी का जो पुरस्कार था वो प्रधानाचार्य से लेने के लिए संजय बहुत ही ज़्यादा बहादुरी के साथ स्टेज पर गया, ठीक है। संजय ने विश्वास से स्टेज पर कदम रखा, पूरे विश्वास के साथ कदम रखा इस साल के बहादुरी पुरस्कार को प्रधानाचार्य से प्राप्त करने के लिए, ठीक है। नाउ संजय इज एवरीवन्स फेवरेट, अब क्या है, संजय है एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति का फेवरेट मतलब प्रिय, ठीक है, अब संजय हर व्यक्ति का प्रिय है। द
तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें अपनी लाइफ से निराश नहीं होना चाहिए। कितनी भी कठिन परेशानी हो, हमें कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने आप पर पूरा भरोसा रखना चाहिए।